गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जिसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर आपको मैं आज 4 क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 1 और 2 में पहले पार्ट में डाल चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो सिर्फ कहा है चैप्टर नंबर 14 से, खंड चैप्टर नंबर 14 के खंड से निकाल लेना है आपको उसके लिए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 14 से निकाल के आपको यहाँ लिख दिया है, उसी के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और किस तरीके से उसको सोल्व किया जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेंड। Find the probability that a student of the class was born in August. ठीक है, फिर यहाँ पे बताइए, एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे जनवरी फरवरी पूरी 12 मंथ का पूरा, और उनके ऊपर मैंने जो जितनी ऊंचाई पे डिजिट्स हैं उतने उन पे लिख दिया और उनके मंथ्स उसके अंदर उसको लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, हिंदी में है, कक्षा 9वीं के 40 विद्यार्थियों में उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से ऊपरी लिखित जो ऊपर लिखा गया है उसमें से आलेख बनाया गया कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, किस तरीके से, देखो सबसे पहले आपको वही जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वीडियो में स्टार्ट करते वक्त कि कुल अभिप्रयोग की संख्या लिखनी आपको सबसे जरूरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुल अभिप्रयोग की संख्या। तो अब आप देखेंगे सब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट हैं, 40 विद्यार्थी हैं। अब उस 40 विद्यार्थियों में उन्होंने क्या कहा यहां पे कि अगस्त में होना, कि किसी बच्चे का जन्म है, विद्यार्थी जन्म है अगस्त में होना, वॉज बॉर्न इन अगस्त जन्म अगस्त में होना, अगस्त में हुआ। तो अब देखिए अगस्त में हुआ उसका जन्म, तो अगस्त में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, 6। टोटल कितने हैं, 6। तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे पी करके। अच्छा, अभी आपने देखा कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है अगस्त में, 6 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। और अब फॉर्मूला क्या कहता है, पीई के अनुकूल, वही जैसे लास्ट टाइम लिखवा था, एक बार और फिर से मैं लिखवा देता हूं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल अभिप्रयोगों की संख्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 40। तो आप देखें 2 3 6, 2 2 4, 3 upon 20 आंसर क्या आया, 3 upon 20 इसका आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ना होने की वजह से, अगर एक बुक में उस टाइम में आपको प्रिंट हो जाता तो इसे निकालने में मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चों को ढूंढने में परेशानी होती है, सिर्फ इसलिए पूरा क्वेश्चन आपको यहां लिखकर दिखाया गया। सो प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें और इसका जो सॉल्यूशन है इसको अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया था, इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। यदि तीनों बारंबारताएं हैं के बाद आपको ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा होगा, यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। ये आपको टेबल दे रखी है, यही टेबल आपके इसके जस्ट बाद है, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया, तो ये टेबल दोनों में आपको हेल्प करेगी। प्राग इसने बताया, इफ द 3 कॉइन आर साइमल्टेनियसली टोस्ट अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2
heads coming up. तो देखो क्या निकालना है पहले वो बाद में देखते हैं, पहले ये पूछा है उसने क्या है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है पहले ये देखें। तो कुल प्रयोग की संख्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल अभिप्रयोगों की संख्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 200 जो हमने लिखा था इज इट इज। अब उसने क्या पूछा कि दो चित आने की प्रायिकता, कंप्यूटर प्रोवाइडेड टू हेड गेटिंग टू हेड्स, तो यहां लिखेंगे गेटिंग या कमिंग टू हेड्स, दो चित आना। तो दो चित कितनी बार आए, अब आप देख लेते हैं टेबल में 72 टाइम्स, 72 बार दो चित आए हैं, तो आप यहां लिखे 72। फिर वही फॉर्मूला कि पी के अनुकूल परिणामों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुल अभिप्रयोगों की संख्या। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने 72 क्योंकि हमने क्या माना ई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 200। तो अब आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड हो जाए, 4 की जगह हम 2 से करते हैं, 2 × 2 = 0, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। अब इसका फायदा क्या है, 4 से भी डिवाइड हो सकता था लेकिन हमने इसे 2 से डिवाइड करके इसलिए फायदा करा क्योंकि यहां पे कितने जीरो हैं, 2, तो इसको दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा और आंसर 0.36 आ जाएगा। अगर आप अपॉन में निकालना चाहते हैं इसे तो आप 4 से या 2 से जैसे भी डिवाइड करके आप डिवाइड करते जाए, फिर वो एक को प्राइम नंबर बचेगा, फिर आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे वैसे आप